हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रीगल लाइफ। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मैं बिना ऑयल के बनाऊँगी। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है या ऑन डाइट है और जो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, वो मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं पर्सनली ये रेसिपी फॉलो करती हूँ एंड इट्स रियली वर्किंग। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दलिया की ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दलिया, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम्स दलिया। बीन्स और गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और मैंने लिया है फूल गोभी। तो सब्जी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, मैं अपने पसंद की वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूँगी। और मैंने लिया है दोस्तों स्वीट कॉर्न्स और मटर। तो स्वीट कॉर्न्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने लिया है दोस्तों 5-6 काजू और 5-6 किशमिश। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं काफ़ी हेल्दी होता है, आप सबको पता है, तो इसलिए ये मैं रेसिपी में ऐड करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 4-5 हरी मिर्च। तो तीखा अगर आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओनली 1 टेबलस्पून घी। और इतने ही घी से हम दोस्तों ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे। दोस्तों, घी में जो है सैचुरेटेड फैट होता है, तो इसलिए बाकी ऑयल्स के मुकाबले घी खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो दोस्तों, घी जो है वो गर्म हो चुका है। अभी जो वेजिटेबल्स मैंने ऑलरेडी काट के रखे हैं वो मैं 1/1 घी में ऐड करूँगी। तो दोस्तों, गाजर और बीन्स पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले गाजर और बीन्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं लो फ्लेम में 2 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर। तो यूजुअली हम जब मटर को खाने में यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं, बट इस रेसिपी में कोई भी सब्ज़ी, मटर हो या स्वीट कॉर्न हो, कोई भी मैं बॉयल करके यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसका फुल न्यूट्रिशन मुझे इस रेसिपी में ऐड करना है, इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी बॉयल करके उसका न्यूट्रिशन नहीं निकालना चाहती। इसलिए मैंने कोई भी सब्ज़ी अब बॉयल नहीं किया है। तो अभी ऑलरेडी मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। स्वीट कॉर्न जो होता है दोस्तों, ये विटामिन सी एनरिच्ड होता है और फाइबर भी इसमें काफ़ी सारा होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, तो इसलिए मैंने स्वीट कॉर्न ऐड किया। ये अलग बात है कि स्वीट कॉर्न मुझे पर्सनली खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्वीट कॉर्न और बाकी सब्जियों को हम 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में और पकाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूल गोभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फूल गोभी को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है कि ये जल्दी कुक हो जाए। तो सारे सब्जी को और 1 से 1.5 मिनट तक हम लो फ्लेम में ऐसे फ्राई करते रहेंगे। और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च। तो जैसे कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि आप तीखा अगर ज़्यादा या कम खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा या कम बढ़ा सकते हैं। बट अगर ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाएं। ब्रेकफास्ट मतलब कि दिन का पहला मील, वो कभी भी बहुत ज़्यादा मसाले वाला या तीखा वाला कभी हमें नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। दोस्तों, मैंने सब्जियों के साथ 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे और इसको मीडियम आंच में पकाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी होता है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड किया है। तो अभी बारी है दोस्तों दलिया ऐड करने की। तो जो 200 ग्राम दलिया मैंने लिए थे, अभी मैं वो सब्जियों के साथ ऐड कर दूँगी और इसको हम मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट तक। दोस्तों, अब बारी है पानी ऐड करने की। तो जिस बोल से मैंने दलिया लिए थे ना, तो उसी बोल से मैं 3 बोल पानी इसमें ऐड करूँगी। तो आप भी इसी मेजरमेंट से पानी ऐड कीजिएगा। जिस बोल से आप दलिया ले रहे हैं उसी सेम बोल से आप 3 गुना पानी इसमें ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम हीट हाई कर देंगे और एक कच्ची के मदद से सारी सब्जियों के साथ दलिया को थोड़ा सा पानी के अंदर एक बार मिक्स कर देंगे। दोस्तों, दलिया जो है काफ़ी हेल्दी होता है, तो अगर आप इसको खाते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होता है। तो दिन का पहला मील मतलब कि ब्रेकफास्ट हमेशा फिलिंग होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि डे का स्टार्ट अगर अच्छा होता है ना तो पूरा दिन जो है हमें एनर्जी रहती है, हम सारे काम जो है
एकदम अच्छे से फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों दलिया में फुल ऑफ विटामिंस एंड प्रोटीन्स भी है और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और ये जो है दलिया, ये खाने से ना स्किन भी अच्छी होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, दलिया जो है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो दोस्तों जैसे कि मुझे पता था दलिया के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आई होप यू लाइक। सो दोस्तों ये जो दलिया है देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पक चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और फिर हम एक लीड से इसको फिर से ढक देंगे और इसको लो फ्लेम में पकाते रहेंगे। दलिया पकने में यूजुअली 10 टू 12 मिनट्स का टाइम लगता है। तो आप देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और इसके जो अंदर मैंने जो वेजिटेबल्स डाले थे ना, वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसको बिना ऑयल के बनाऊंगी, तो मैंने दोस्तों इस रेसिपी में थोड़ा सा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ 1 टेबलस्पून घी से मैं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। तो लास्टली दोस्तों मैं इसमें ऐड कर दूँगी काजू एंड किशमिश, तो इसमें भी काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अब अगर इसको ऐड करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट को भी एडजस्ट करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों हमारा दलिया की जो रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी, ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको सिर्फ और 1 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये रेसिपी ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, तो आपको ना एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंप्लीट मील है। तो आप लंच या डिनर में भी ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो ये बनकर रेडी हो चुका है। लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, ये मैं थोड़ा फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी और मसाले ऐड नहीं किया है। आजकल बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम है वेट गेन होना। तो दोस्तों अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप अगर ये रेसिपी अपने मील में कभी भी ऐड करें तो ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। अगर आप चाहें तो इसको लंच में या डिनर में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट मील है और इसको हमने बिना ऑयल के भी बनाया है। तो दोस्तों ये बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं लास्टली इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून घी। तो ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो घी का जो खूबसूरत सा फ्लेवर है ना, वो ये रेसिपी को और ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो घी ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक बस ढक देना है, उसके बाद मैं इसको एक सर्विंग मोल में निकाल लूँगी। तो दोस्तों ये रेसिपी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और यकीन मानिए दोस्तों, ये बिना ऑयल के मिनिमम चीज़ों से बना हुआ है, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यूजुअली क्या होता है, जो वेट लॉस रेसिपीज़ होती है वो टेस्टी नहीं होता है, बट दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं खुद ये रेसिपी फॉलो करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ है। वेट लॉस करने में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। तो आप इसको प्लीज़ घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी 10 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाती है, तो इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इसको कभी भी घर में इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज़ इस रेसिपी के बारे में दोस्तों आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। तो यूजुअली अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हम चावल, रोटी या नॉनवेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। तो दोस्तों अगर व्रत के दिन आप चाहें तो ये रेसिपी आप बना के खा सकते हैं। ये टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। और ऑलरेडी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। दोस्तों ये वेट लॉस रेसिपी मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आई होप इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको दूसरी कोई वेट लॉस रेसिपी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बहुत जल्दी आपको फिर से मिलने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो फॉर नाउ दोस्तों, बाय बाय।